विराम चिन्ह पंक्चुएशन का सुंदर कपड़े कहाँ रखे हैं खा सुंदर कपड़े कहाँ रखे हैं पढ़ो मत खेलो पढ़ो मत खेलो बोलो मत लिखो बोलो मत लिखो उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए क और ख वर्ग में दिए गए वाक्य एक ही हैं केवल कुछ चिन्हों के प्रयोग से उनका अर्थ बदल गया है इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना हम अपने भावों को व्यक्त करते समय बीच बीच में रुकते हैं इसे ही विराम कहते हैं और इस विराम के लिए निश्चित संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं मौखिक या लिखित भाषा में अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं प्रमुख विराम चिन्ह एक पूर्ण विराम चिन्ह किसी कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे नीलेश ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया मेरी बहन परिश्रमी है दो अर्धविराम चिन्ह जहां अल्पविराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े वहां इसका प्रयोग किया जाता है जैसे सूर्योदय हो गया अंधकार न जाने कहां चला गया कठिन परिश्रम करो परीक्षा निकट है तीन अल्पविराम चिन्ह इसका प्रयोग वाक्य के बीच में बहुत थोड़े समय रुकने के लिए समान शब्दों वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है जैसे मुझे चॉकलेट पिज्जा और बर्गर चाहिए शब्द परिश्रम करो फल अवश्य मिलेगा उपवाक्य चार प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में कब कहाँ कैसे एवं क्या आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं तब वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे मुख्य अतिथि कौन है आज आपने क्या पिया पांच विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य घृणा शोक हर्ष एवं भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे शाबाश प्रखर तुम कक्षा में प्रथम आए हो छह उद्धरण चिन्ह जब किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे गांधी जी कहते थे करो या मरो एक हरा उद्धरण चिन्ह यह चिन्ह उपनाम व रचनाओं के शीर्षक के लिए प्रयुक्त होता है जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी हिंदी काव्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है सात योजक चिन्ह योजक का प्रयोग समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है एक सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य जैसे रात दिन माता पिता बार बार आदि दो समानता सूचक शब्दों के साथ चंदन सी खुशबू झील सी आंखें आठ निर्देशक चिन्ह यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है नौ विवरण चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह के समान होता है जैसे काल के तीन भेद हैं वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल दस लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे डॉक्टर पंडित ग्यारह कोष्ठक चिन्ह कोष्ठक का प्रयोग अंकों और अक्षरों के क्रम तथा शब्दों के विशेष अर्थ को
प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे दिशाएं, 1 पूर्व, 2 पश्चिम, 3 उत्तर, 4 दक्षिण, 12 हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। कई बार लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर की ओर लिख दिया जाता है, जैसे मुझे आज मेरठ जाना।